और क्वाड मीटिंग में बोले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, रूस यूक्रेन युद्ध बड़ा मानवीय संकट है, यूक्रेन युद्ध के लिए रूस दोषी है, यह कहा है राष्ट्रपति बाइडेन ने। रूस यूक्रेन युद्ध से खाने का संकट बढ़ा है, हम हिंद प्रशांत की शक्तियां हैं, यह कहा राष्ट्रपति बाइडेन। टोक्यो में आयोजित क्वाड समिट में इंडो पैसिफिक रीजन के साथ साथ रूस यूक्रेन विवाद का मुद्दा भी हावी रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी ओपनिंग स्पीच में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जमकर खरी खोटी सुनाई। राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस यूक्रेन युद्ध को वैश्विक मुद्दा बताते हुए कहा कि व्लादिमीर पुतिन एक संस्कृति को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। The fact is that what if you turn on the television and you'll see what Russia is doing now, it appears to me that Putin is just trying to extinguish a culture. Every school, every church, every natural history museum, as if to try to obliterate the Ukrainian culture. राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वैश्विक खाद्य संकट के लिए रूस को जिम्मेदार भी ठहराया। The global food crisis is made worse by Russia's blocking Ukraine from exporting its millions of tons of grain. This can affect all parts of the world. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की माने तो रूस जंग को लंबा खींचना चाहता है, लेकिन उन्होंने रूस को ये बता दिया है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग भले ही चले, अमेरिका अपने सहयोगियों की मदद करता रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग और गिर गई है, सिर्फ 39% युवा बाइडेन के काम से संतुष्ट हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों के बीच निराशा का माहौल है। एसोसिएटेड प्रेस एनओआरसी सेंटर फॉर पब्लिक रिसर्च का ये सर्वे है। रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका भले यूक्रेन पर हथियार के साथ साथ दौलत लुटा रहा हो, लेकिन खुद अमेरिका में राष्ट्रपति की लोकप्रियता पर बट्टा लग रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन में 40 अरब डॉलर की अतिरिक्त सहायता देने वाला बिल पास कर दिया है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग लगातार गिर रही है। ये सर्वे एसोसिएटेड प्रेस एनओआरसी सेंटर फॉर रिपब्लिक रिसर्च ने किया है, जिसके मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग गिरी है। सिर्फ 39% युवा बाइडेन के काम से संतुष्ट हैं। 10 में से सिर्फ 2 लोग ये मानते हैं कि अमेरिका सही दिशा में बढ़ रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी के 33% सदस्यों का मानना है कि देश सही दिशा में बढ़ रहा है। अप्रैल में डेमोक्रेटिक पार्टी के 49% सदस्यों ने बाइडेन के काम को सराहा था। बाइडेन की रेटिंग घटने से डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों में निराशा। इस बीच यूक्रेन को अरबों डॉलर की मदद करने वाली रिपब्लिकन पार्टी के नेता चिप राय ने सवाल उठाया और पूछा है कि क्या अमेरिका ने बाइडेन को जंग में उतरने के लिए वोट दिया था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।